जय हिंद किसान साथियों, आपका पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेब का पौधा कैसे लगाना है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करें। किसान साथियों, आपको पौधा रोपण करने से पहले सबसे पहले आपको अपने ज़मीन में या अपने खेत में 2x2 का गड्ढा करना है। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से हमने पहले से ही गड्ढा करके रखा है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। सर, 2 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई का आपको गड्ढा खोद लेना है। और गड्ढा खोदने के बाद ऊपर का जो उपजाऊ मिट्टी है उसको आपको एक तरफ निकाल कर देना है। जैसा कि ये देखिए, जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है उसको साथी हमने एक तरफ रखा हुआ है। दूसरी की चीज़, गड्ढा का जो नीचे का जो मिट्टी होता है, जो थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, उसको आपको दूसरी तरफ निकाल कर रखना है, जैसा कि हमने इधर दूसरी तरफ निकाल करके रखा हुआ है। गड्ढा से खोद करके बाहर निकाला हुआ जो मिट्टी है, जो कुछ ज़्यादा ही उपजाऊ था, उसमें आपको 10 से 20 केजी गोबर का खाद मिलाना है। साथियों, आपके पास अगर गोबर का खाद ना हो तो इसके जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सड़ा हुआ गोबर का खाद 2 गमला रखा हुआ है, करीब 10 से 12 केजी के आसपास होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि गोबर का जो खाद है उसको हम लोग पूरे पूरे मिट्टी में मिक्स करेंगे। और साथियों, देख रहे हैं, ये हमने जो लकड़ी का आग जलाने के बाद कुछ राख बचता है, साथियों इसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा होता है, तो हमने उसे भी 250 ग्राम के आसपास में ले लिया। इस तरह से साथियों, पूरे मिट्टी में आपको इस गोबर को फैला देना है। और फैलाने के बाद यूं ही इसको हथौड़े या कस्ती की सहायता से मिक्सिंग कर देना है। साथियों, आपको ये रखना है कि गोबर का खाद जो आप लेते हैं वो पूरी तरह से डिकम्पोज हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपके पौधे में दीमक का अटैक हो जाएगा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि डिकम्पोज हुआ पदार्थ को दीमक नहीं खाती है, इसलिए आप लोग ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप डाल रहे हैं इसमें खाद, मैनूअर या तो पत्ती का खाद है या तो गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, अच्छी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए। अब साथियों, यदि आप केमिकल की सहायता से अपने पौधे को उगाना चाहते हैं तो उसमें आप गड्ढे में एनपीके डाल सकते हैं, दीमक की दवा डाल सकते हैं, और पौधे के जो विकास करने में जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं साथियों, उन सबको आप गड्ढे में मिट्टी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं जैविक तरीका से पौधे को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए हमने गड्ढा में पहले से ही ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर को 10 लीटर डाल दिया है, मिट्टी को उपचारित कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस मिट्टी में गोबर को मिक्स कर लिया है, तो इस मिट्टी को हम लोग क्या करेंगे, सीधे आप गड्ढे में डालेंगे और पूरी तरह से गड्ढा को भर देंगे। साथियों, किसान साथियों, आपका ज़मीन पर डिपेंड करता है, यदि आपका मिट्टी कम उपजाऊ है तो उसमें आप गोबर की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कह दिया कि 10 से 12 केजी लेना है या 10 से 20 केजी लेना है तो उतना ही आपको लेना है। आपका मिट्टी में अगर उपजाऊ शक्ति कम होगा तो साथियों, गोबर की मात्रा आप उसमें बढ़ा सकते हैं। इस तरह से साथियों, आपको गड्ढे को पूरा भर लेना है, और मिट्टी कितना भरना है, जो ज़मीन का लेवल है, ज़मीन का लेवल से मिट्टी को आपको 1/2 फीट ऊपर रखना है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, जो ज़मीन का लेवल है साथियों, इससे आपको मिट्टी को क्या करना है, थोड़ा हाइट रखना है। क्यों? इसलिए कि जब आप गड्ढे में पानी दीजिएगा तो उसमें होगा क्या, मिट्टी आपको नीचे चला जाएगा। ज़मीन के लेवल से अगर आप मिट्टी को रखते हैं तो उसमें फिर मिट्टी आपको जो पानी डालने के बाद नीचे चला जाएगा, पौधे जब लगेगा तो आपको ज़मीन से नीचे हो जाएगा साथियों, जिससे उसमें पानी जमा होने की आशंका बढ़ जाएगी, आपका पौधा उससे मर सकता है। इसलिए जब भी आप गड्ढे को मिट्टी से भरते हैं तो ये ध्यान रखें कि ज़मीनी सतह से आपको 6 इंच ऊपर ही रखना है, जिससे पानी दीजिएगा तो मिट्टी जब नीचे बैठेगा
उसके बाद आपको जमीन सतह के बराबर बैठ करके हो जाएगा। किसान साथियों, कभी कभी आपको बताया जाता होगा कि जब आप सेब का पौधा लगा रहे हैं तो उसमें आपको बालू मिलाना है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि बालू सभी मिट्टी में नहीं लगाया जाता है, नहीं मिलाया जाता है। यदि आपका मिट्टी ज़्यादा चिकनाहट है, उसमें पानी आपको जल्दी से अगर नहीं सोख रहा होगा साथियों, तो उसमें आपको बालू की मात्रा मिला लेना है। कहने का मतलब कि आपको मिट्टी ऐसे तैयार करना है, पानी डाले 5 से 10 सेकंड में उसका जो पानी की जो उसमें गति है वो आपको नीचे ज़मीन में निकल जाना चाहिए। इसलिए यदि आपका पहले से ही बालू की मात्रा आपको ज़मीन में है तो उसमें बालू मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मिट्टी आपका चिकना है जिसमें पानी का अवशोषण दर अच्छा नहीं होगा तो उसमें आप बालू को मिक्स कर सकते हैं साथियों। साथियों, इस गड्ढे में हम लोग आज पानी देकर के छोड़ देंगे, क्योंकि तुरंत रोपाई करने से भी मिट्टी ज़्यादा गीला हो जाएगा और कल तक कुछ मिट्टी सूख जाएगा और बैठ करके जमीन के सतह के बराबर हो जाएगा। किसान साथियों, जब भी आप पौधे का प्लांटेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि आखिर पौधा को मिट्टी में दबाना कितना है। सबसे पहले आप पौधे का निरीक्षण कीजिए। ये हॉट क्लाइमेट एप्पल है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। साथियों, ये देखिए इस तरह से पौधा आपका है, पकड़ करके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा साथियों, ये देखिए ग्राफ्टेड भाग है जो आपको दिख रहा है, ये इस जगह ये ग्राफ्टेड भाग है। और ग्राफ्टेड से ऊपर का जो है जैसे कि ये सायन है जिसको ग्राफ्ट किया जाता है, और जो ये ग्राफ्टेड से नीचे वाला भाग है साथियों, ये है रूट स्टॉक जिसमें जड़ होता है। तो जब भी आप प्लांटेशन करेंगे तो ये जो रूट वाला भाग है साथियों, इस रूट को कितना दबाना है, यहाँ तक रूट का ऊपरी हिस्सा है तो आपको मिट्टी यहीं तक रखना है साथियों। तो इसमें तो बीच में मतलब रूट और जो जोड़ा हुआ भाग है इसके बीच में तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मिट्टी यहाँ तक भर दीजिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई पौधा में ये जो जोड़ वाला जो भाग है साथियों, आपको रूट के बहुत करीब होता है, जैसे कि इस तरह इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा या तो फिर इतना नज़दीक हो जाता है साथियों। तो उसमें आपको क्या है, नया किसान साथी बहुत भूल कर देते हैं रोपाई करने में। तो जब भी रोपाई कीजिएगा, मतलब कि इस जगह अगर पौधे का जोड़ है, इस जगह अगर जोड़ है तो यहाँ से आप 4 अंगुल इसे नाप लीजिए और 4 अंगुल इसको छोड़ने के बाद ही मिट्टी आपको भरना है। सपोज कीजिए कि आपको रूट की जगह है, तो रूट की जगह है तो आपको जोड़ वाला भाग ये जगह है, तो कितना मिट्टी भरना है, जोड़ से 4 अंगुल गैप छोड़ करके उसके बाद ही यहाँ तक मिट्टी आप भरिएगा साथियों। तो चलिए हम लोग फटाफट पौधा को रोपाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने इसको मिट्टी भरने के बाद कल इसमें पानी दिया था, और कल पानी देने के बाद देखिए आज ये मिट्टी कितना भुरभुरा हो गया है साथियों, मतलब इसमें ज़्यादा नमी नहीं है और ज़्यादा मिट्टी सूखा भी नहीं है। इस तरह से मिट्टी आपको बना लेना है, उसके बाद ही प्लांटेशन करना है साथियों। सबसे पहले ऐसी मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी आपको निकालना कितना है, जितना पौधा का आपका रूट है आपको देख लेना है, जितना में आपका पौधे का रूट जो है सिर्फ मिट्टी में दब सके उतना ही आपको गड्ढा करना है, ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है। ये देखिए साथियों, इतना तक मेरा पौधे का रूट दब रहा है, थोड़ा सा मिट्टी 1 इंच ऊपर चढ़ रहा है। तो इतना तक हम लोग पौधों को क्या करेंगे, रखेंगे। और रोपाई करते समय साथियों को ध्यान क्या देना है, ये जड़ है, जड़ आपका ऐसे एक जगह नहीं होना चाहिए और जड़ ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, मतलब जड़ पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए मिट्टी में इस तरह से। और स्वतंत्र इस तरह से जब रहेगा साथियों, तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरह से मिट्टी का भराव कर देना है। और मिट्टी का भराव करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, ये देखिए इस तरह से मिट्टी भर दिए, और मिट्टी भरने के बाद इस तरह से पौधा को सीधा पकड़ना है 90 डिग्री के एंगल में, और इस तरह से क्या कर देना है, दबा देना है साथियों, ताकि इस जगह मिट्टी आपका क्या होगा, जड़ मजबूती से पकड़ा जा सके। इस तरह से साथियों दबा करके पौधा सीधा होना चाहिए, उसके बाद ऐसे मिट्टी डाल करके और इसको ऐसे बराबर कर देते हैं साथियों। मेरा मिट्टी में अभी नमी खूब बढ़िया से बना हुआ है साथियों, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का पानी दे देंगे, वो मिट्टी को देख करके उसके बाद पानी दिया जाता है साथियों। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी पाने हैं तो किसान साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।